क्या आपके पास कोई भी नॉइस की स्मार्ट वॉच है और आप उसमें कॉन्टैक्ट सेव करना चाहते हैं, फोन नंबर सेव करना चाहते हैं, तो ये कैसे करें आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, अगर आप होम स्क्रीन में हैं तो ऐसा स्वाइप करें और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नॉइस बज का, ठीक है, इस पर क्लिक करें। यहां पर आपको रिसेंट कॉल, डायल पैड और कॉन्टैक्ट दिख जाता है। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर बोलेगा प्लीज सिंक कॉन्टैक्ट इन ऐप, ठीक है। तो इसके लिए हमें अपने फोन की जरूरत पड़ेगी, तो आप अपना फोन ले लें। देखिए, आपने अपनी वॉच को नॉइस फिट एप्लीकेशन से कनेक्ट करके रखा होगा पहले से ही, ठीक है। देखिए, यहां पर प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड की थी और अगर अपडेट नहीं है तो आप इसे अपडेट भी कर लें, ठीक है। ओपन कर ले इस एप्लीकेशन को, कनेक्ट होगी तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, नहीं कनेक्ट होगी तो आप इसे कनेक्ट कर लें। अब इसके बाद यहां पर ऊपर आपको ये आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें, वॉच का आइकन, ठीक है। नीचे आप स्क्रॉल करके चले जाएं, यहां पर आप देख पाएंगे माय कॉन्टैक्ट्स, इस पर क्लिक करें और नीचे यहां पर आपको ऐड करने का ऑप्शन आएगा, कॉन्टैक्ट ऐड करने का। यहां पर आप टोटल 8 कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 8 लोगों के कॉन्टैक्ट आप ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच में। तो ऐड पे क्लिक करें एंड यहां पर सर्च हो रहा है, कुछ सेकंड्स वेट करें, सारे कॉन्टैक्ट यहां पर आ गए हैं, ठीक है। अब आप सेलेक्ट कर लें जो जो कॉन्टैक्ट आपको चाहिए। इस तरीके से मैंने 3 कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं एंड यहां पर सेव पे क्लिक कर दें एंड इसके बाद यहां पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। तो हमने 3 कॉन्टैक्ट ऐड कर लिए हैं सेव चेंजेस करने के बाद। अब हमारी वॉच में हम उसी जगह पर जाते हैं, नॉइज बज में एंड यहां पर कॉन्टैक्ट में। देखिए, हमारे तीनों कॉन्टैक्ट यहां पर आ गए हैं। अब आप इस पर क्लिक करके कॉल कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी आप अपनी इससे वॉच से ही बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बाय।